चीज़ मुझे उनकी याद दिलाती है। ये सीलिंग, ये फ्लोर, ये स्टोन्स, इन सब में वो है। अगर मैं पेड़ हूँ तो वो बादल है, मैं पानी हूँ तो वो प्यास है। मेरी लाइफ उन पर फोकस्ड है। मैम के बे, मेरी बच्ची की फोटो देखो कितनी प्यारी है। सिर्फ फोटो नहीं, मेरी बच्ची बहुत प्यारी है। वो सबसे ज्यादा समझदार है। हाँ, मैम के बे, मैंने उसे जब दी थी तो वो कितनी खुश हो गई थी ना। नहीं, ये तुम नहीं लाए थे, मैं खरीद कर लेकर आई थी। क्या कह रहे हो तुम? मुझे याद है। मैम के बे, तुमसे कोई गलती हुई है मैडम, ये मैंने लाई थी उसके लिए। याद है उस शाम को जब शॉप बंद होने वाली थी, वो इतने एक्साइटेड हो गई थी गुड़िया देखकर, तब मैंने शॉप वाले से शॉप खुलवा कर उसे गुड़िया दिलाई थी। उसने संभाल कर रखी थी इतने साल। देखो कितनी अच्छी है मेरी बेटी, देखा? मेरी खूबसूरत बेटी, मुझे याद आ रही है। बेटी? आपकी बेटी? आपकी सिर्फ एक ही बेटी है क्या? क्योंकि आप दोनों तो क्लियरली मेरे बारे में भूल ही गए हैं, है ना? नहीं नहीं बेटा, लैला के जाने के बाद हमें उसकी बहुत याद आ रही है। तुमसे भी प्यार करते हैं, तुम भी हमारी बेटी हो। मुझसे भी? हाँ। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। अच्छा लगा ये सुनकर। हाँ। सुबह सुबह ये सुनकर मेरा तो दिन ही बन गया। मेरा फोन। हेलो जान। गुड मॉर्निंग बेबी, मैं गेट के बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। गेट पर? क्यों? मैंने तुम्हारी फेवरेट कुकीज, सैंडविचेस, ड्रिंक्स लाए हैं। कुछ म्यूजिक और कैंडल्स भी हैं। और अगर तुम्हें ठंड लगे तो मेरे पास शॉल भी है। मैं बस तुम्हें एक अच्छे स्पेस में रखना चाहता हूँ। कांट बिलीव। पर मैं लिखूंगी कहाँ? मैं तुम्हें हट में ले जाऊंगा, वहाँ बिना इंटरप्शन के तुम लिखना। ठीक है ठीक है, मैं अभी आती हूँ। मॉम, मैं निकल रही हूँ, बाय। कहाँ? नए नोट्स ढूंढने के लिए डैड। पता नहीं इस लड़की को अकल कब आएगी। मेरी बेटियां कब बड़ी होंगी? मैं लैला के बिना घर कितना सोना सोना लग रहा है। हर पल उसकी याद आ रही है। At your service, my lady. आप ये सब करके मुझे बिगाड़ रहे हैं। हाँ, चाय पियोगी? कार में उसका भी बंदोबस्त किया मैंने। प्लीज आइए मैडम। ओह, यहाँ चाय भी है। वाओ, थैंक यू सो मच। अब मैं आंखें खोलूं जान? रुको ना, इतनी जल्दी क्या तुम्हें? जान, आई एम सो एक्साइटेड। मुझे देखना है कि आपने क्या किया है। जल्दी कीजिए ना। आई थिंक सब कुछ रेडी है, तुम अपनी आंखें खोल सकती हो अब। आंखें खोलूं? हाँ, खोल दो। आर यू रेडी? हाँ, मैं रेडी हूँ। तुम हो? हाँ हाँ, मैं तो रेडी हूँ। जान, ये कितना रोमांटिक है। वाव, ये सब कितना रोमांटिक है जान। मैं यहाँ जिंदगी भर आपके साथ रह सकती हूँ। ऐसा मत कहो, तुम जानती हो क्यों, है ना? क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ यहीं लॉक्ड रहो, कहीं ना जाओ। हाँ? कहीं जाने नहीं दूंगा। हाँ जान, मैं यहाँ बुक लिखने आई हूँ तो मुझे उस पर कंसंट्रेट करना होगा। एब्सोल्युटली। ठीक है देन, मैं यही रहूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है। अगर कुछ चाहिए तो बस मेरा नाम ले लेना, नाम तो पता ही होगा। जान। ओके, अब मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता हूँ। ठीक है, यही कहीं हूँ मैं आस पास। ठीक है, तो अब मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ जान। ठीक है, Concentrate. मैं बिल्कुल लिख नहीं पा रही। ये सब इतना रोमांटिक है कि मुझे हमारी मेमोरीज याद आने लगी है। एंड आई कांट स्टॉप माई सेल्फ। मुझे बस अभी आपके साथ रहने का दिल कर रहा है। मुझे लगता है कि मुझे ऑफिस जाकर लिखना होगा, मैं यहाँ नहीं कंसंट्रेट कर पाऊंगी। मुझे वहीं जाना होगा। मैं चलती हूँ ऑफिस में, वही बेहतर रहेगा। आई एम सॉरी जान, हम बाद में मिलते हैं। As you wish. आप भी मेरे साथ चलिए ना, शायद आपकी भी बात गीत से हो जाए. Okay. थैंक यू ये सब अरेंज करने के लिए. अब मैं गीत को इन्फॉर्म कर लेती हूँ. Okay. Okay. ये सब क्या है? डियर सनेम, तुम कंफर्टेबली लिख पाओ इसलिए मैंने ये सब अरेंज किया है. फ्रिज में तुम्हारा फेवरेट खाना है और ड्रिंक्स है, चाय भी है. मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, शाम को मीटिंग्स अटेंड करनी है. तुम भी कॉल कर सकती हो जब तुम चाहो. तुम्हारी बुक इस कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज उसे कंप्लीट करना. ओके देन, तुम यहाँ काम करो, मैं हट पे जा रहा हूँ. मुझे यहाँ वैसे भी बोर हो रहा है. नहीं जान, आप यहाँ रहने. नहीं, नहीं, तुम यहाँ काम पर फोकस कर पाओगे. काम करो, बाद में मिलते हैं. अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे कॉल कर देना. ठीक है जान, बाद में मिलते हैं. कितना सुहाना दिन है ना. मुझे तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं आज. नहीं, मेरे लिए नहीं है जेजे, मेरे लिए काफी अनलकी दिन है. बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में घूम रही है. अ फ्यू डार्क थिंग्स, यू नो, इट्स नॉट अ गुड डे फॉर मी. ओह, अगर ऐसा है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए मिस्टर चांद. आपको MR की जरूरत है. मैं अपॉइंटमेंट अरेंज करता हूँ आपके लिए, ठीक है? क्या MR की बात लगा रखी है तुमने? मैं उस गिट की वजह से परेशान हूँ. अब तुम मेरा सर मत खाओ प्लीज. सच कहूँ मिस्टर चांद, मुझे भी वो एक बड़ी परेशानी लगता है. मुझे ना उससे बुराई की बू आती है. उस बू को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता मिस्टर चांद. लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, उस गिट का बंदोबस्त मैं कर लूंगा, फिक्र मत कीजिए. ओके? तुम्हारी फीलिंग भी म्यूचुअल है? ऑफ कोर्स है मिस्टर चांद. आपने देखा हमारे बीच क्या टेलीपैथी होती है. सिर्फ अच्छे दोस्तों के बीच ऐसी टेलीपैथी होती है. इसका मतलब हम में गहरी दोस्ती है. मुझे भी दाल में कुछ काला लग रहा है. आई विश सनम भी ये समझ पाए कि वो ट्रस्टेबल नहीं है. जेजे, मुझे ना एक कॉल करना है तो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ. समझ गया. हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं मिस्टर जान, तो इसके आगे आपको फोन कॉल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. हम टेलीपैथी से ही बात करेंगे. हमारा रिश्ता दिल का है, फोन का नहीं है. और डोंट वरी, मैं ये गीत को संभाल लूंगा. मैं नहीं चाहती ये नॉर्मल फेरी टेल जैसा लगे. कुछ क्रिएटिव सोचना होगा. Come on, Sanem, yaar, you can do it. दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल राइटर क्या कर रही है? मैं वो राइटर हूँ जो कुछ भी लिख नहीं पा रही है. मेरे साथ चलो, मैं किसी से मिलवाना चाहता हूँ. किससे? मेरा एक दोस्त है जिसे मेरी डार्लिंग राइटर से मिलना है. तो जान, मुझे बहुत काम है. मैं ये नहीं. मैं जानता हूँ, पर रेस्टोरेंट यहीं पर है, वो वेट कर रहा है. हम जल्दी आ जाएंगे. अच्छा ठीक है, पर जल्दी. हाँ ओके, चलो. ओके, कौन है ये? चलो. फिक्रेत, व्हाट्स अप? वेलकम. ज्यादा वेट तो नहीं करवाना. वेलकम. आई एम सॉरी मैंने तुम्हें इतना जल्दी में बुलाया. दरअसल मुझे एक मीटिंग में जाना है. आप मिस सनेम होंगी? हाँ मैं हूँ. बैठिए. अच्छा मिस सनेम, मैंने आपकी राइटिंग पढ़ी. मेरी राइटिंग पढ़ी? हाँ, मैंने फिक्रेत को तुम्हारा कुछ काम दिखाया जो तुमने ऑफिस में लिखा था. हाँ, वो एक एडवर्टाइजिंग के लिए था. आई एम सॉरी, आप कौन हैं? फिक्रेत मेरा पुराना दोस्त है. हम दोनों एक ट्रैवल मैगजीन पर काम कर रहे थे. फिर फिक्रेत ने जॉब छोड़ दी और अब वो टर्की के सबसे बड़े पब्लिशिंग हाउस का ओनर है. सबसे बड़े नहीं पर अच्छे. EF ग्रुप, अगर आपने सुना हो तो. आई एम सो ग्लैड टू मीट यू मिस्टर फिक्रेत. मैंने काफी बुक्स पढ़ी है आपके पब्लिशिंग हाउस की. फिक्रेत, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, आई अप्रिशिएट इट. रोज मुझे सैकड़ों बुक राइटर्स के कॉल आते हैं, पर मिस सनेम की राइटिंग ने मुझे इम्प्रेस किया है, वरना मैं नहीं आता. थैंक यू सो मच, बट आई. तुम्हारी राइटिंग स्टाइल काफी इम्प्रेसिव है, बहुत ही फ्लोइंग और मूविंग. मैंने सुना है तुम अभी किसी बुक पर काम कर रही हो. हाँ, पर वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई. मुझे समझ नहीं आ रहा जान, हम यहाँ क्यों आए हैं? फिक्रेत को तुम्हारी बुक पब्लिश करनी है. अगर तुम मुझे एक ड्राफ्ट भेज दो तो हम 2 महीने के लिए उस पर काम करेंगे. फिर पब्लिश कर देंगे। मैं तुम्हें अपना कार्ड देता हूँ। फिलहाल मुझे एक मीटिंग के लिए निकलना होगा। अगर चाहो तो हम अगले वीक मिल सकते हैं, डिनर करेंगे, थोड़ी बातें कर लेंगे। थैंक यू फिकरत, सॉरी मैंने तुम्हारा टाइम लिया, बट थैंक्स अगेन। आई सी यू। थैंक्स। माय प्लेजर। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस सनेम। मी टू। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज सनम? सनम, 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 क्या कर रही हो? रुको सनम। मुझे समझ नहीं आता, हाउ कैन यू ह्यूमिलेट मी दिस मच? क्या बोल रही हो सनम, मैंने ह्यूमिलेट कहाँ किया? आप चाहते हैं कि दुनिया को ऐसा लगे कि मैं बुक पब्लिश कर पाई क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड के पास कॉन्टैक्ट्स हैं। नॉनसेंस सनम, फिकरत को तुम्हारी राइटिंग वाकई में बहुत पसंद आई। आपने मेरी राइटिंग बिना पूछे किसी और को दिखाई। शायद आपको मुझ पर भरोसा नहीं है या फिर आप मेरी काबिलियत पर शक कर रहे हैं। जान सनम यहाँ आओ, चलो बैठ के बात करो। आप मेरे पास पब्लिशर है, इतने मुझ पर डे 1 से भरोसा किया है, समझे आप? और शायद मेरी बुक अब्रॉड में पब्लिश हो जाए। ऑफ कोर्स, वो बुक जो तुमने अभी तक लिखी भी नहीं। ये किट को कुछ ज्यादा ही भरोसा नहीं है तुम पर। तुम्हें उसमें कुछ गलत नहीं लगता? क्या मतलब है आपका? सनम, फिकरत को तुम्हारी राइटिंग पसंद आई और हर किसी को पसंद आएगी क्योंकि तुम टैलेंटेड हो, तुम क्रिएटिव हो और तुम यंग हो अभी। फिकरत इज द राइट मैन, आई एम टेलिंग यू। तो आप डिसाइड करेंगे मेरे लिए क्या बेस्ट है और क्या नहीं। असल में आपको इगित से प्रॉब्लम है। आप नहीं चाहते कि मैं उसके साथ काम करूँ, आप नहीं चाहते कि मैं अपनी बुक अपने बलबूते पर पब्लिश करूँ। जान आपको पता है, आप बस ये चाहते हैं कि सारी चीजें आपके कंट्रोल में हो और कुछ नहीं। ओके ठीक है, तो तुम भी कहीं दूर चली जाओ मुझे छोड़कर। दूर आप मुझे कर रहे हैं, मैं नहीं। आप मुझसे अपनी फीलिंग शेयर नहीं करते। आप मुझसे शादी करना चाहते हैं पर पोस्टपोन कर देते हैं। आपको मेरे साथ अब्रॉड जाना था पर मैंने ना करने पर आपने गुस्सा किया। आप अपने प्रॉब्लम से भागते हैं, समझे? सनम यू डोंट अंडरस्टैंड कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। आई डोंट। ये आपका प्यार है? हाँ, यू आर हर्टिंग मी। आप मुझसे मेरा गुरूर छीन रहे हैं। आपको मेरे प्राइड की, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई परवाह नहीं है। आगे से मुझे आई लव यू मत कहना। काम कैसा चल रहा है सनेम? बुक कुरियर कर दो ना, मुझे पढ़ने का मन हो रहा है। हेलो इगित। इगित मैं हार गई हूँ। मैं कुछ नहीं लिख पाई, एक वर्ड भी नहीं। मुझे लगता है मैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी नहीं हूँ। शायद मैं राइटर बनने के लिए अभी तैयार ही नहीं हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आई होप कि मैं अपना बुक पब्लिश करने का सपना पूरा होते हुए देख पाऊँ, पर शायद फिलहाल वो वक्त नहीं है। मुझे लगता है कि खुद पर काम करना होगा। एक्चुअली मेरे पास एक फाइल है पर मुझे उसके लिए जान का अप्रूवल लगेगा। ठीक है, लेट्स स्पीक फेस टू फेस। अजीब होती है ना, फेरी टेल्स हैप्पी एंडिंग वाली कहानियाँ दिखाती है, पर असल जिंदगी में तो ऐसा नहीं होता। मेरी फेरी टेल में मेरे फ्यूचर में क्या होगा? मेरी कहानी किसी स्पॉइल प्रिंसेस की तरह हो सकती है, पर क्या मैं वो प्रिंसेस हूँ जो किसी प्रिंस का वेट कर रही है? या फिर मैं उस मीन प्रिंस के साथ प्यार में पड़ जाऊँ, एक ऐसा प्रिंस जो अपने स्माइल के पीछे अपनी असलियत छुपाता है। पता नहीं वो प्रिंस कैसा है और मैं उसे कैसे पहचानूंगी। मॉम, मैं बाहर जा रहा हूं। जॉन, जब तक तुम लौटोगे तब तक मैं निकल चुकी होंगी। तुम्हें अब ज्यादा वक्त मुझे झेलना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं अपने घर जा रही हूँ। इतनी जल्दी क्या थी? बट एनीवे, मुझे लगा था कि तुम चाहते हो कि मैं जल्दी से जल्दी चली जाऊं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ। ओके, आप सूटकेस ही छोड़ दीजिए, मैं भिजवा दूंगा। ठीक है, तो मैं छोटा सूटकेस अपने साथ ले जाती हूँ। वेलकम। थैंक यू। जिस दिन से आपको मिली हूँ उस दिन से ये कहानी लिख रही हूँ इस नोटबुक में। ये बुक पढ़ने के बाद कोई राज नहीं होगा जो आपको पता ना हो, फिर चाहे वो आपके लिए मेरी फीलिंग्स हो या मेरा गुस्सा। आपकी परमिशन मिलने के बाद ये बुक पब्लिश करवाऊंगी मैं। इसे पढ़ लेना और मुझे बताना कि क्या मैं इसे पब्लिश कर सकती हूँ। तुम्हें मेरे परमिशन की जरूरत नहीं है। यू आर अ फ्री वुमन, जो चाहे वो करो। ये हमारी कहानी है, बजाय आपके परमिशन के पब्लिश नहीं होगी। सनेम, क्या हुआ तुम्हें? जान से बुक वापस ली? नहीं, आई कैन नॉट रीच हिम। उनका फोन बंद आ रहा है और पता नहीं उन्होंने वो बुक पढ़ी होगी या नहीं। अगर पढ़ी भी होगी तो पब्लिश करने की परमिशन नहीं देंगे वो। लेकिन आज तो फाइनल डेट है, हमें 20 पेजों को भेजना है ट्रांसलेट के लिए। हम ऑलरेडी लेट हैं। ईद, मैं जान के परमिशन के बिना कुछ भी नहीं करूंगी। तो तुम्हारे पास और कोई आइडिया है क्या सनम? मैं नहीं जानती, शायद हट में होंगे। मैं जाकर चेक करके आती हूँ। ठीक है, तो फिर मैं भी साथ में आता हूँ। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफी मांगनी थी, इसीलिए। नहीं, मैं हैंडल कर लूंगी। अगर तुम्हें देखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं सनम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे उसे ये सिचुएशन के बारे में बताना होगा कि ये बुक तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे करियर के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर वो मान गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी ना सनम? क्या कहती हो सनम? ठीक है, चलो। डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है? चलो, मुझ पर भरोसा रखो। हाँ, यही। आई एम नॉट श्योर वहाँ जाना अच्छा आइडिया है या नहीं। क्या तुम यही रुकोगे? वो पहले से ही तुमसे अपसेट है, वरना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, लेट्स डू इट्स द वे। उसे मुझसे प्रॉब्लम है तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा सनेम। ये डोंट वरी सनेम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम यही रुको। पर क्या मेरा इस फेरी टेल में एग्जिस्टेंस है? क्या मैं रियलिटी को एक्सेप्ट कर लूं? जिस राजा ने मेरा दिल तोड़ा, क्या मैं उसके साथ चली जाऊं? चाहे कहानियां कितनी क्यों ना बदले, एक चीज नहीं बदलती और वो है प्यार। मैं उस राजा से बेहद प्यार करती हूँ, चाहे वो हार्श हो या फिर मर्सीलेस। मैं सिर्फ उनके लुक वर्ड टच की दीवानी नहीं हूँ, बल्कि वो मेरी जिद है। मुझे बस उनका साथ चाहिए, उनका प्यार चाहिए जिंदगी भर। मैं सिर्फ उनके टच को महसूस करना चाहती हूँ और किसी के नहीं। मैं दीवानी हूँ उनके प्यार में। मुझे हर वक्त, हर लम्हा, हर पल बस उनकी बाहों में गुजारना है, बस उनके साथ रहना है। तुम कितने भोले हो, तुम्हें सच में लगता है कि जान तुम्हें ये बुक प्रिंट करने देगा? सानेम ने फाबरी को जब वो परफ्यूम दिया था तो देखा ना उसका क्या हश्र किया था जान ने। वो आदमी अब जेल में है और तुम उनकी लव स्टोरी प्रिंट करने जा रहे हो, वो भी इम्पोर्टेंट वाली। जान, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तुमसे बात करने आया हूँ कल रात के बारे में, और सनेम की बुक के बारे में भी बात करना चाहता हूँ। सनेम की बुक तो चल गई जान। जान, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जान, क्या कर रहे हो तुम? सब कुछ बर्बाद कर दिया, सनेम का सपना, सब कुछ। हाँ, कैसे इंसान हो तुम? तुमने सनेम का सपना तोड़ दिया। तुम सनेम से प्यार ही नहीं करते थे, तुम सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रहे थे। तुम उसके प्यार के लायक ही नहीं हो जान। तुमने सनेम का करियर बर्बाद कर दिया। उस बेचारी ने कितनी मेहनत की थी, पता है तुम्हें? तूने किया ना ये, सच बता, क्या कर दिया ना ये? देखो जान, पीछे हटो। फिकरेत, 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 जान ये क्या किया आपने? फिकरेत।